सच में इतना सुनसान जगह पे घूमने आकर बहुत अच्छा किया मैंने। और इसे देखने के बाद बार बार दिल में ये ख्याल आ रहा है, काश ये लड़की एक बार मेरे पास मिलता तो। सर आप करो, सर आप करो। यस। और कोई भी जरूरत पड़े रिसेप्शन में कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हाँ जरूर। अच्छा अगर मैं रिसेप्शन पे कॉल करूंगा तो आप ही आओगे या कोई दूसरा आएगा सर? नहीं सर, मैं ही आऊंगी। दिस इज योर लॉकर की। बाय सर। या थैंक यू। You are most welcome. इतना स्मार्ट लड़की इस रिसोर्ट में काम करती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस काम के अलावा भी ये और कुछ काम करती है? नहीं, कॉन्फर्म करने के लिए रिसेप्शन पर कॉल कर सको। हेलो रिसेप्शन। हाँ मेरे लिए एक कप चाय भेज दीजिए ना। हाँ थैंक यू। समय आओ। हाँ आओ आओ। ये रही आपकी चाय। हाँ थैंक यू। यू आर वेलकम सर। और आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े रिसेप्शन में कॉल कर दीजिएगा, आपकी सारी जरूरतें मिटा दी जाएगी। अच्छा आप मुझे मेरा बेबी की जरूरत मिटा सकते हैं? मतलब आप मुझे वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं सर, हमारे यहाँ पे वैसी कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सर। ओके यू आर वेलकम। सर आपका बॉटल। ओ थैंक यू। यू आर वेलकम सर। अब थोड़ा बैठिए ना मेरे पास। नहीं सर, मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकती आपके पास। क्यों? क्योंकि अगर होटल के स्टाफ्स को पता चल गया तो फिर गलत चलत बातें बोलेंगे, और अगर मैनेजर को वो बात पता चल गई तो फिर मेरी सैलरी काट ली जाएगी। सो मैं नहीं बैठ सकती, सॉरी सर। थोड़ा देर प्लीज। प्लीज। ठीक है, बट सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके थैंक यू। अच्छा एक बात बोलिए, इस रिसोर्ट पे काम करके आपको कितना सैलरी मिलता है? मेरे को जितना सैलरी मिलता है उसमें मेरा काम चल जाता है। अच्छा आपको एक बात बोलूं, अगर आप बूढ़ा ना माने तो आप इस होटल में काम करके जितना सैलरी कमा लेते हो ना, मैं उससे डबल आपको पे करूंगी। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ वो आप समझ सकते हो? सर शायद आप मुझे गलत सोच रहे हैं, मैं वैसे लड़की नहीं हूँ और हमारे इस होटल में वैसे कोई सुविधा नहीं मिलती है। सो थैंक यू सो मच सर। एक बार सोच लीजिए।
अरे रिसोर्ट का वो लड़की ना, हाँ वही तो, कल रात जब मैंने उसको ऑफर किया तब मुझे मना कर दिया और आज कस्टमर लेकर खड़ी है, वो भी एक जंगल में। अरे यार मुझ में क्या कमी थी, रुको देखता हूं तुम। क्या हुआ, कल तो बहुत शरीफ बन रही थी। कल जब मैंने तुमको बोला तो तुम क्या बोल रही थी, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ और आज कस्टमर लेकर घूम रहे हो। क्या सुनिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, ठीक है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा एक लड़के के साथ तुम खड़ी हो। क्या आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप मेरे को नहीं जानते हैं, तो प्लीज आप ऐसे अनाप शनाप बातें मत कीजिए। अच्छा तो आप कौन है मैडम? देखिए मेरी बहन की तस्वीर। तो सुनो, मैं तुम्हारी बहन की फ्रेंड हूं और तुम्हारी बहन हमेशा बोलती थी कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरे भाई जैसा कोई नहीं है। तो बस मैं यही देखना चाह रही थी कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो। वैसे मैं तुमको पहचान बहुत पहले गई थी, पर एक बात पता है क्या है कि तुम्हारा ये चेहरा अगर तुम्हारी बहन देखती ना तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और जिस बंदे के बारे में तुम बात कर रहे थे, जिसके साथ तुमने मुझे देखा, वो कोई लड़का नहीं है, वो मेरा होने वाला मंगेतर है, जिसके साथ हमारी नेक्स्ट मंथ शादी होने वाली है। अब सुनो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मेरा बहन को मत भूल, प्लीज। ठीक है जाओ।